स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा अभियान के 196 सप्ताह में रुआ बांधा पानी टंकी परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। परिसर में उगी गाजर घास की सफाई की गई, साथ ही पहले अनुपयोगी पदार्थों को डस्टबिन में डाला गया। शहर में स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा निरंतर शहर के सभी स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अभियान के 196 सप्ताह में रुआ बांधा पानी टंकी परिसर की सफाई की गई। यहां परिसर में फैली झाड़ियां, गाजर घास की कटाई करने के साथ परिसर में जगह जगह फैले पानी पाउच डिस्पोजल सहित अन्य कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थान डस्टबिन में डाला गया और पूरे प्रांगण को स्वच्छ किया गया। अभियान की जानकारी स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू ने दी। स्वच्छता ही सेवा ही भावनाओं को लेकर हम लोग प्रत्येक सप्ताह एक सार्वजनिक स्थल को साफ सफाई करते हैं। आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जहाँ पे आप देख पा रहे हैं जर्जर कटीले घास है, जहाँ पे स्वच्छ रखने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं आज 196 सप्ताह का अभियान जो जारी किए हैं पानी टंकी रुआ बांधा के जस्ट नीचे प्रांगण में, जहाँ पे आस पास में इतनी कटीले वृक्ष हैं, कटीले जंगली वृक्ष हैं जिसको सफाई करने की अति आवश्यक है। यहाँ पे पन्नी वगैरह भी काफ़ी पड़ा है, लोगों को निर्देश भी दिया गया है कि पन्नी बोतल इत्यादि ना फेंके। यहाँ पे आसपास के लोगों से भी निवेदन है कि आप यहाँ पे पानी टंकी के आसपास को भी स्वच्छ रखें। मार्केट एरिया में भी यहाँ पे पन्नी पाउच वगैरह बाहर में पड़ा हुआ है। आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आप सभी हमारा साथ दें, श्रमदान करें और स्वच्छता के साथ जुड़ सकते हैं, तभी हम बीमारियों से भी मुक्त हो सकते हैं। आप सभी लोगों से विनम्र अपील है, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास को स्वच्छ रखें और हमारे साथ जुड़े। मैं प्रेमचंद साहू, अध्यक्ष स्वच्छता ही सेवा समिति, धन्यवाद। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।